समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी निर्दलीय भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी होंगे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से और भी पार्टियां साथ में हैं, दूसरी पार्टी क्यों नहीं लगता आपको, क्यों नहीं लगती? उन दोनों पार्टियों से आदमी तंग हो चुका है। आपको हम और क्या बताएं, अब जब से मोदी जी की सरकार हुई, यहाँ जनता कितनी खुश है, फ्री में राशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, जिसके पास 10 बिस्से तो उसे 8,000 रुपये सूखा रहत के मिले, और जिसके पास 5 बीघा उसको 500 रुपये। वो भी तो न्याय देखिए आप, हर जगह। समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि हमने रोडों के जाल बिछा दिए, हमने विकास की गंगा बहा दी है, और लेकिन आप कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टियों ने रोड तो बिछा दिया, लेकिन आप ये बताओ, ठेकेदार उनके, ठीक है, आईजी उनका, इंजीनियर उनका, पास करते हैं, देखो रोड खोद करके इतने भारी पत्थर इसमें पड़े, मेरे सामने की बात है। इसमें कहीं रोडों पे आपको कहीं किनारी नज़र आ रही, कहीं एक ईंट का टुकड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन काफ़ी समय से तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो अभी भी रोडों के हालात खराब क्यों? बस जब ही की बनी हुई है तो नए कार्यकाल में विकास क्यों हुआ नहीं क्या? अभी विकास क्या हुआ, ठेका तो उन्हीं का था, ठेका तो उन्हीं का था। नहीं, समाज भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो है? अभी विकास अभी भी क्यों नहीं? अब अभी तो विकास होगा ही, अब जो सड़कों का नंबर आ गया है तो अब ये बनेगी अच्छी तरह से, अब इनकी देख रेख होगी, यहाँ उनके कार्यकर्ता हैं वो देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो क्या परिवर्तन इस सीट पे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सीट है कन्नौज लोकसभा, क्या परिवर्तन नहीं होगा क्या? बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, सीट अभी तक होता रहा जब से भारतीय जनता पार्टी आई। नहीं, चुनाव सुब्रत पाठक चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से, क्या सीट उन्हीं के हाथ में रही क्या, या खिसक सकती है? मुश्किल है खिसकना, खिसकने का कोई चांसेस तो है ही नहीं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कूद सकते हैं, अगर वो आए तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? मेरी तरफ से तो कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा भाई, जनता तो यहाँ पर यादव इस साइड में है, उधर वर्मा लोग हैं, और अन्य जात हमारी जितनी है सो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसमें यादव भी आधे हैं, तो कैसे खिसक जाएगी सीट? अच्छा, यादव भी आधे हैं भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, कैसे आपको लगता हो? तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोटर है यादव। ना, पूरा नहीं है, पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो हमारे साथ है। जो यादव यहाँ पर आसमान से लगे हैं, जो बेईमानी से हैं, कैसे भी हैं, और गरीब यादव हैं, वो तो सब मेरे साथ हैं, 25% जिनको अनाज मिल रहा है खाने के लिए, अच्छा सुविधा मिल रही है। यादव 25% भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हैं इस क्षेत्र में यहाँ पर। अच्छा, तो सर्वजन सुखाय पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे कन्नौज जनपद में, दौरा किया था उन्होंने, और उन्होंने घोसी कमरिया का मामला चलाया था। उन्होंने कहा था कि घोसियों को साथ में न्याय नहीं किया गया, समाजवादी पार्टी ने किया, उन्हें हम न्याय दिलाएंगे। तो क्या घोसी उधर चला जाएगा, 25% तो सपा खाते में कितना रह जाएगा? अब देखो, इधर है कमरिया, इधर मुड़िया भी है, उधर घोसी है, लेकिन तिरवा विधानसभा में जो इस सौरक्षी रोड से उधर से निकलती है तो वो भी तो हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी थोड़ी घोसी, घोसी और कमरियों में तो बहुत तगड़ा विवाद। तो घोसी कमरिया का ही मामला चला, दोनों ने शिव प्रसाद यादव सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आ चुके, दौरा हो चुका है उनका, तो उन्होंने घोसी का मामला चलाया था, बोले थे कि घोसियों के साथ न्याय नहीं किया समाजवादी पार्टी ने कभी भी, और सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसलिए हम उठ के आए हैं मैदान में, घोसी वोट बैंक हमारे साथ रहेगा। अगर घोसी वोट बैंक उनके साथ रहेगा, 25% आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी में का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी चलाएगा, तो समाजवादी की पार्टी के पास क्या रह जाएगा फिर? अब ये तो आप देख लो, वो कह तो रहे लेकिन ऐसा जनता करेगी तो नहीं, जनता के तो दिल में बसा हुआ है भाई भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी से भी मतलब नहीं है, जनता को तो सिर्फ मोदी जी का ख्याल है, हकीकत बात ये है। तो क्या नीचे के जो नेता हैं उनसे मतलब जनता का मामला नहीं है, मामला सीधा मोदी जी से? मोदी जी से है, हमें यहाँ से चाहे गधा खड़ा हो जाए कन्नौज से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गए तो हम तो वोट उसमें लगाएंगे। मतलब कैंडिडेट से कोई मामला नहीं है? मेरा कोई मतलब नहीं है।
आप सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से कैंडिडेट कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए उससे हमें क्या फर्क। और कैंडिडेट आएगा तो वो तो सरकार यहाँ हमें हर सुविधा देगी, हमें कोई तकलीफ तो देगी नहीं, कैंडिडेट से हमें क्या लेना। तो लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं हम, लोकसभा कन्नौज 2024 का चुनाव करीब है और लगातार हम अपडेट देते रहेंगे डी भारत के माध्यम से। खबर अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरामैन हैदराबाद के साथ अबुल कलाम, डी भारत न्यूज़।